हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं मैथ्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आज का वीडियो मैं अपने एक स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, जिसमें उसने मुझसे पैराबोला के ग्राफ के बारे में पूछा था। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जल्द ही, जैसे ही एग्ज़ाम की सिचुएशन क्लियर होती है, मैं एक एग्ज़ाम सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे उन टॉपिक्स और उन क्वेश्चंस पर जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। आप तब तक चाहें तो ऐसे कोई टॉपिक्स जिनमें आपको कोई कंफ्यूजन है, जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और आगे भी हम मैथ्स के इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो है परवलय यानी कि पैराबोला पर। तो यहाँ पर हम सिंपल बेसिक्स यहाँ पर सीखेंगे पैराबोला की। पैराबोला आपके एग्ज़ाम में दो जगह पर पूछा जाता है, एक तो यूनिट टू में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप इसको यूज़ करेंगे, दूसरा इंटीग्रेशन मैं जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ते हैं, एरिया अंडर द कर्व, तो वहाँ पर भी आपको पैराबोला के ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका इसका एप्लीकेशन आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, चार तरह के पैराबोला होते हैं। ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड मानक रूप कहने का मतलब ये है कि इन सभी पैराबोला का जो शीर्ष होगा, वर्टेक्स, वो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु पर होगा, चारों ही पैराबोला का। और ये सारे पैराबोला एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक सममित होंगे। एक्स और वाई एक्सिस इनको दो एक जैसे भागों में बांटेगी। तो इसकी जो पहली फॉर्म है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। दूसरा पैराबोला इसी से मिलता जुलता है। पहले आप इक्वेशंस देख लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, और दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स। दो पैराबोला और होते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, और इसी में माइनस लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। तो इक्वेशंस को कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो अब वन बाय वन हम इनका ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। तो देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इस पैराबोला की एक्सिस क्या होगी। तो आप इक्वेशन में देखिएगा कि लीनियर पावर यानी घात एक, वन पावर कौन से वेरिएबल किस चर की है। तो हम यहाँ देख रहे हैं वाई का तो स्क्वायर है, एक्स की पावर वन है। तो जिसकी भी पावर वन हो, आपको ये समझ लेना है कि इसकी एक्सिस जो अक्ष होगी वो उसी से बनेगी। जैसे यहाँ एक्स की पावर वन है तो इसकी अक्ष होगी यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष इसकी अक्ष होगी। और ये बनेगा कैसे, यहाँ प्लस साइन आ रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी ये ओरिजिन है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, डैश रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव से एक्सिस को, ठीक। तो यहाँ प्लस में आ रहा है और पावर वन है, तो आपको समझ जाना है कि ये प्लस एक्स के अबाउट बनेगा। तो प्लस एक्स यानी कि ये, तो इसके अबाउट इस तरह का ये शेप आता है, लगभग ओवल, एग्जैक्टली ओवल तो नहीं होता है, यहाँ ऊपर को ये इसका एरिया बढ़ता जाता है। तो ये इसका ग्राफ होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स का। यहाँ पर जो ए होता है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है ए, और इसे हम इस पॉइंट को कहते हैं इसका फोकस या इसकी नाभि। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और वाई एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ए कॉमा ज़ीरो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जो सबसे मेन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इक्वेशन, इक्वेशन देख के आपको गैस आपको समझना है कि इसकी अक्ष कौन सी होगी और फिर फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मेनली इन चीज़ों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पैराबोला पे। सेकंड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स। तो सबसे पहले आपको देखना है पावर वन किसकी है, एक्स की पावर वन है और माइनस में आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये पैराबोला
नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट बनेगा। ठीक, तो इसकी जो अक्ष हो गई वो एक्स एक्स हुई, ये पूरी इसकी अक्ष या एक्सिस कहलाएगी, और बनेगा ये माइनस में है तो एक्स डैश ओ एक्स डैश के अबाउट बनेगा। तो ओ एक्स डैश के अबाउट आप इस तरह का शेप बनाएंगे, शेप चारों में एक जैसा ही होगा, बस आपको ध्यान ये देना है कि किसके अबाउट बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर भी ए होगी, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा ज़ीरो, एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका ज़ीरो आ जाएगा। तो इस टाइप की इक्वेशन में पैराबोला की अक्ष होगी एक्स अक्ष और इसकी नाभि यानी कि फोकस होगा माइनस ए कॉमा ज़ीरो। थर्ड टाइप का पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। तो आप इक्वेशन को देखेंगे, पावर वन किसकी है, वाई की पावर वन है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, कौन से वेरिएबल की पावर वन है, वाई की पावर वन है। तो आपको समझ जाना है प्लस में आ रहा है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट बनेगा, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस आई, शेप वही बन जाएगा, ये इसका ग्राफ आ गया। अब इसका फोकस भी हम देख लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो ए होगी। अब ये वाई एक्सिस पर सिचुएटेड है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ये डिस्टेंस ए, तो इसकी अक्ष हो गई वाई अक्ष और इसका जो फोकस हो गया वो हो गया ज़ीरो कॉमा ए। लास्ट टाइप का पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। तो वाई की पावर वन है तो और माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस वाई एक्सिस के अबाउट, नेगेटिव वाई डैश के अबाउट बनेगा ये, और इसकी अक्ष जो कहलाएगी ये पूरी ही वाई अक्ष इसकी अक्ष कहलाएगी और ये वाली डिस्टेंस ए है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो गया क्योंकि ये वाई एक्सिस पर सिचुएटेड है और ये चूँकि नेगेटिव में है तो माइनस ए इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ज़ीरो कॉमा माइनस ए इसका नाभि यानी फोकस हो गए। तो इतने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए अगर आप इसका यूज़ इंटीग्रेशन में कर रहे हैं या फिर पैराबोला में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर रहे हैं। अगर आप और डिटेल में कर देखना चाहते हैं इसे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदर टॉपिक्स के बारे में भी आप बता सकते हैं कोई टॉपिक जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।